पीते हैं लेकिन ये सब निकल जाती है, रहती नहीं। आपके एक प्रश्न करता हूँ, ये प्रश्न का मेरे उत्तर देना। जैसे कि घड़ा है, घड़ा में छेद ही छेद है, अगर उसमें पानी डालो क्या होगा, निकल जाएगा। लेकिन ऐसे कौन सा उपाय है, भले ही उसमें जितने छेद क्यों नहीं हो, पानी डालो ना, एक बूंद भी नहीं निकलेगा। बताओ तो, उसमें छेद ही छेद रहेगा, लेकिन पानी डालो लेकिन छेद से पानी नहीं निकलेगी, क्या करनी चाहिए बताओ। बोला हम लोग उत्तर दो, सब छेद तो रहेगा लेकिन पानी नहीं निकलेगी जितना पानी डालते रहो। हाँ, इसको उपाय बताए। हाँ ये तो बात है। हाँ, इसको उपाय बताए। अगर ये घड़े को, कलसी को अगर पानी में डुबो करके रख लोगे ना, अगर उसको पानी में डुबो करके रख लो, भले ही उसमें जितने छेद हो निकलेगा नहीं, वो तो पानी में डूबा हुआ है। हाँ देखो, इसका मतलब है हम सबको अंदर में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सबका अंदर में है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अगर तू हर समय कथा में डूबे रहोगे, हर समय तू भक्ति में डूबे रहोगे ना, तुमको ये काम क्रोध कुछ भी तुम्हारी नहीं कर सकता है। जैसे देखो, हम सबका अंदर में काम क्रोध लोभ है, लेकिन अभी कोई काम सता रहे हैं ना, किसकी मन में लोभ आ रहे हैं ना, किसकी मन में मदमात्सर्य, किसको मन में आ रही है, नहीं आ रही है। लेकिन जब कथा से केवल उठ करके निकल जाओगे ना, जितने काम क्रोध लोभ मोह फिर गिर जाएगा, फिर आकर के बैठ जाएगा। इसलिए कह रहे भैया, इसको छोड़ो मत, हर समय प्रभु की भक्ति में, कथा में डूबे ही रहो, उसमें डूबे ही रहो, ये कथा रस को नहीं छोड़नी चाहिए। बोले भैया, ये कथा रस को कौन पी सकते हैं? बोले सब नहीं पी सकते। यदि भागवत कथा रस को सब नहीं पी सकते हैं, बोले केवल दो व्यक्ति ये कथा को पी सकते हैं। बोले वो दो व्यक्ति कौन है? कहते वो दो व्यक्ति भावुक और रसी है, केवल यही दो व्यक्ति पी सकते हैं, जिसको शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती ये कथा रस को कौन पी सकता है? बोले अति हरि कृपा जा पर होई पाव देही असंगत सो। जैसे कृष्णा बंसी बटो को नीचे बंसुरी तो बजाए, लेकिन वो बंसी की आवाज सबको सुनने को नहीं मिली, वो जिसको बुलाना चाह रहे थे ना वही सुने। जैसे कन्हैया बंसुरी बजाए, वहां पर सखाएं भी थी, माताएं भी थी, वो लोग भी थी, लेकिन किसी को कान में बंसुरी की आवाज नहीं पड़ी, केवल ये गोपियों के कान में आवाज पड़ी, तभी गोपियों ने वहां पर आए। कहते उसी तरह हमारे जो ऋषिपाल प्रभु, ऋषिपाल है, इनका नाम ऋषिपाल है ना, हाँ ऋषिराज, तो इनके आंगन में भगवान भागवत कथा रूपी बंसुरी की आवाज तो बजी, लेकिन किन किन गोपियों के कान में आवाज बढ़ी? तुम जितने गोपियां हैं, क्योंकि कृष्ण उदाहरण देते हैं, यदि जी को समझो, जैसे तुम्हारे घर में कोई उत्सव हो रही है, तुम्हारे घर में बच्चे का बर्थडे तो शादी तुम्हारे घर में, अगर 1000 किलोमीटर में अगर कोई रहता होगा ना, अगर आप उसको बुलाओगे वो आएगा, लेकिन तुम्हारे घर को पास में पड़ोसी व्यक्ति को अगर आप निमंत्रण नहीं दोगे ना, वो नहीं आएगा। लेकिन 1000 किलोमीटर कोई होगा ना, निमंत्रण दोगे तो वहां से वो आएगा। उसी तरह शंकर जी कहते पार्वती, ये कथा में सब नहीं आ सकते। कहते करोड़ों करोड़ों जन्म का जिसको पुण्य उदय हुआ है, केवल वही ये कथा में आ सकते हैं। इसलिए आप लोग जितने यहाँ पर आए हो, समझो तुम्हारी करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य उदय हुआ है, तभी ये कथा में आप लोग आए हो। भगवान आपको निमंत्रण दिया। अभी फोन होता है ना, फोन से हेलो बोलते है ना, फोन से आप जिसको फोन करके वही तो आएगा। मानो कन्हैया ने फोन आपको लगाया, फोन और सबको नहीं लगाया, आपको घर में ठाकुर जी की फोन नंबर गया है, इसलिए आप लोग ये कथा में आए हो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वो बड़ी पुण्यात्मा है जो ये कथा में आकर के बैठे थे, इसलिए आप पुण्यात्मा हो। एक बार भागवत का जयकार दो, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। जयकार में आनंद नहीं आ रहा, जोर से कोई आवाज नहीं लगा रही, जोर से बोलो, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय।
बोले ननिसे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः स्वर्गादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममास दे। अब ये कलयुग आ गया, अब ये कलयुग से डरते हुए सौनक आदि ऋषियों ने ब्रह्मा जी को पास में गए। बोले ये कलयुग से हम कैसे बच सकते हैं? बोले कली से बचने का एक उपाय है, मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा। ये चक्र जहाँ पर गिरेगा समझो वो पवित्र स्थान, वहीं पर बैठ करके जा रहे हैं। घर में कितना समय लगेगा? आधा घंटा, एक घंटा में पहुंच जाऊ। काम ठाकुर जी कर रहे हैं, बैठे हरिओम हरे कृष्णा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए अभी ये घोर कलयुग आ गया, सौनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पास में गए। बोले हे पितामह ब्रह्मा जी, कलयुग है। कलयुग मतलब क्या है? बोले प्राप्ते कलयुग घोरा नरापुण्य विवर्जिता। बोले कलयुग आने पर जो पुण्य कर्म कोई नहीं करेंगे, स्वाभाविक रूप में मन देखना गंधे चीज में तो स्वाभाविक रूप में जाता है, लेकिन कोई धर्म का काम करो ना, फिर ये मन को बड़ी समझा बुझा करके करना पड़ता है। ये मन सहज में धर्म कर्म में नहीं लगता है, क्यों? कलयुग है। बोले नरापुण्य विवर्जिता, बोले दुराचार रता सर्प। कलयुग में स्वाभाविक रूप में लोग दुराचार गंदे काम करने में लग जाएंगे। घर घर में लड़ाई होगी, भाई भाई में, बहु बहु में, पड़ोस के पड़ोस में, देश देश में, ऑफिस में, हम जहां जाकर के देखो ना, केवल कला कला और कुछ है ही नहीं। बोले ये कलयुग ही कलयुग है। बोले ये कलयुग से हम बचेंगे कैसे? बोले मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा। ये चक्र जहां पर गिरेगा समझना पवित्र स्थान, वहीं पर भजन करूंगा। ये चक्र गिरा कहां पर? बोले नैमिषारण्य। कोई गए हो नैमिषारण्य? कोई नहीं, गुजर लोग तो कहीं बाहर नहीं जाते। आप सबको हम ले चले गए, ठीक है ना? एक समय सब चार धाम जितने गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ सब घुमा देंगे, एक दिन में घुमा करके वापस ले जाएंगे। यहाँ से एक दिन में ले जाएंगे तभी तो चल सकते कि नहीं? एक दिन के लिए जा सकते नहीं, एक दिन में लेकर के घुमा करके ले आएंगे, पूरा चार धाम दर्शन करा लेंगे, ठीक है? इसलिए अभी वहीं पर वो भजन कर रहे थे सौनकादि ऋषियों। एक दिन भगवत इच्छा से वहां पर एक बहुत बड़े संत आए जिनका नाम था श्री उग्रसभा सूत। ये उग्रसभा सूत कौन है? कहते ये लोमर सरिष की संता। एक समय ये लोमर सरिष, ध्यान देकर सुना, लोमर सरिष एक दिन पुराण सुना रहा था सब ब्राह्मणों को साधुओं को। इतने में श्री बलदेव प्रभु ताऊ भैया आए। बलदेव प्रभु कौन? ये आदि गुरु है। जब तुम कथा सुना रहे हो, अगर तुमसे कोई बड़े वैष्णव आ जाए, नहीं तो गुरु जी आ जाए, नियम है कथा को वहीं रख लो। पहले संतों को आदर करो, पहले संतों को गुरुजनों को आदर करो, फिर कथा सुनाओ, ये नियम है। लेकिन उन्होंने देखा आए अपने आप बैठ जाएंगे, हम तो इतने बड़े कथाकार बन गए हैं, अभिमान आ गया, हम इतने बड़े कथा सुनाने वाले, वो आए और बैठ जाएंगे। इतने में बलदेव प्रभु को क्रोध आया, क्यों? ये आदि गुरु है। इसलिए बोले तुम तो भागवत कथा कर रहे हो, लेकिन शुद्ध किसी वैष्णव परंपरा से तुमने कथा सुना सीखता ना, फिर संतों का आदर करना तुमका आता। उन्होंने उठाया एक घास, उसी घास से गला काटती होगी, हाहाकार मच गया। वहां जितने ऋषि मुनि थे बोले पुराण कहां से सुनेंगे, लेकिन ताऊ भैया कोई साधारण नहीं, ये कृष्ण कन्या की बड़े भैया ताऊ भैया, ये मूल गुरुदेव है। उनका एक छोटा बच्चा था केवल 5 साल के, उसको सर पर उन्होंने हाथ धरते ही सारी ज्ञान उसके हृदय में प्रकाश हुआ, सारी ज्ञान प्रकाश हो गया। बोले यहाँ पर बैठो कथा सुनाओ, बस ताऊ भैया की कृपा से छठा छठ उसने फिर पुराण सुनाना शुरू किया। ऋषि मुनि दंग रह गए, ये 5 साल का बच्चा जिसको ऊपर हाथ रखा तो सब
वेद पुराण उपनिषद उसके हृदय में प्रकट हो गया। ये श्री बलदेव प्रभु का प्रभाव है। एक दिन ये श्री संत उग्र सभा सुता है, बहुत बड़े संत है। जब संत आए इनको देख करके सोनकार जी से बोले, आज तो हमारा भाग्य उदय, क्यों अगर जीवन में किसी साधु का अगर दर्शन हो गया ना, शास्त्र कहता है जो व्यक्ति डायरेक्ट ठाकुर को पूजा सेवा कर रहे हैं, शास्त्र कोई गारंटी नहीं देता है एक दिन तुम भगवान को पाओगे, कोई गारंटी नहीं देता है, लेकिन शास्त्र गारंटी देता है अगर जीवन में कोई शुद्ध साधु का दर्शन तुम्हारी हो जाए, शुद्ध गुरु जी की दर्शन हो जाए, शास्त्र कहता है एक दिन तू जरूर भगवान को पाओगे, जरूर तुम भगवान को पाओगे। देखो जैसे ठाकुर को हम सेवा पूजा करते हैं, क्या ठाकुर जी आपसे कोई बात किए हैं, क्यों गंदे काम कर रहे हो, शराब क्यों खेलते हो, जुआ क्यों खाते हो, गंदे काम क्यों करते हो, ये गंदे काम को छोड़ो अच्छे काम, कभी ठाकुर जी तुमसे कोई बात किया है बताओ, ठाकुर कोई बात किए हैं, ठाकुर जी बात नहीं करते, बात हमें कौन करते हैं, हमें कौन समझाते हैं, ये संत ही हमें समझाते हैं, ये संत ही हमें समझाते भैया ये गलत काम है, ये गलत काम करके सही काम पर जाओ, ये केवल ये संत ही हमें समझाएंगे, ठाकुर नहीं समझाएंगे। हनुमान जी का नाम सुने हो, कौन कौन हनुमान जी का नाम सुने, सब सुने हो। जब इन्होंने लंका में गए, अच्छे तरह से सुना, जब ये लंका में माता सीता को ढूंढने के लिए गए, अभी उन्होंने देखा एक घर को सामने लिखा हुआ श्री राम, बोले ये श्री राम का नाम, मेरे प्रभु का नाम कैसे यहाँ पर आ गया। फिर शंकर चक्र गदा पद्म